हे गाइस वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्यारे से ब्लॉग में। तो गाइस ये ब्लॉग बहुत ही खास है, अमूमन तो ये खुशी देख सकते हैं, इसे मेरे कंधे पे बैठना था। अरे कंधे पे क्यों बैठी है, क्योंकि इधर देखिए निशा भगवान जी में इधर फूल लगा रही थी तो थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, तो हाइट कम है तो बेड पे चढ़ी हुई है और जगह कंजेस्टेड, मतलब रूम में ऐसे तो पूजा रूम हमारा नीचे है बट ये रूम में भी कान्हा जी को रखती है, ऐसे छोटा सा एक मूर्ति है। तो अभी क्या की ये फूल लगा रही थी वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फूल लगा रही थी इस तरह से, ये वाला लगाया। पहले डेली लगाया करते थे, अब लाते ही नहीं हो तो गाइस मैं अब नहीं लाता हूँ क्योंकि गाइस ये देख लो, देख सकते हो आप कितनी को, इससे बस शैतानी करना है, शैतानी शैतानी करना है, बस शैतानी करना है पापा के साथ। तितली रानी ओ तितली रानी। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि तितली की थोड़ी तबीयत खराब थी जिसके कारण हम लोग कोई भी चीज सेलिब्रेट नहीं कर पाए और अभी जाना था हमें कोलकाता, पूरा प्लान था लेकिन अभी हमें लगता है कि सचिन भाई से बात हुई जो बोल रहे हैं कि कुछ दिन बाद चला जाएगा, तो चला जाएगा कोलकाता चला जाएगा क्योंकि तितली का वैक्सीनेशन भी है और दो तीन काम भी है तो थोड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए कोलकाता भी जाना है हम लोग को। बाकी जब जाएंगे आपको बताएंगे। और अभी क्या है कि मेरे ख्याल से कल कब है राहुल मंत्री का एनिवर्सरी, कब है? 4 को है। अच्छा 4 मई को, 4 मई को राहुल भाई का एनिवर्सरी भी है। सोचे थे कि चले जाए बर्थडे में, नहीं गए तो एनिवर्सरी में कौन से सरप्राइज दें, लेकिन अभी गाइस जिस तरह का मौसम हो रहा है ना कि कहीं जाने का। हाँ मम्मा क्या लोगे, बहुत बहुत बोलना सीख गई है, मम्मा पापा मम्मा पापा है ना, बोल दो मम्मा पापा। कौन है मम्मा कौन है अभी क्या क्या? अच्छा तितली जरा सा सुनो, थोड़ा टाइगर बन जाओ, तो बन जाओ टाइगर। देख सकते हो आप ये टाइगर बनना सीखी है अभी तक, पापा का टाइगर है, चुप ही नहीं तो मेरा टाइगर। तो 4 मई को उनकी एनिवर्सरी है, और 16 मई को मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी है। 16 मई को मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी है, तो सोच रहे कि इस बार उनका ही सेलिब्रेट करवा दिया जाए, देखते हैं क्या प्लान होता है, जैसा होगा बताएंगे। हो सकता है उस समय कहीं रहे ही ना रहे, कहीं घूमने का भी जाने का भी प्लान था क्योंकि समर वैकेशन होने वाला है, तो इस बार हम लोग सोचे कि थोड़ा बहुत कहीं ऐसी जगह चले जाएगा। इस गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मन कर रहा है कि कहाँ चले जाए, किसी हिल स्टेशन चले जाए, अंटार्कटिका ये तो महासागर में पहुंचा देगा भाई, तो दुनिया का सबसे ठंडा जगह है, ठंडा महासागर भी कह सकते हो उसे, -0°C वो तो मिनिमम -0°, क्या -33, -50 इस तरह से वहां पे रहता है। वहां पर अगर पानी में गिर जाए ना, वो इतना खतरनाक महासागर है कि अगर आदमी गिर जाए तो 2 मिनट में उसका सांस वास सब बंद हो जाता है उसमें, वो पूरा बर्फ जम जाता है, लाइक ही पॉसिबल नहीं। पूरा 6 महीना ठंड दिन होता है, 6 महीना रात होता है। ओ भाई साहब ये पता नहीं था आपको? नहीं पता था, 6 महीना के लिए मतलब बस शॉक हो रहा हूँ कि हाँ इस तरह की बहुत सारी चीजें, तो दुनिया में तो बहुत सारी चीजें, और मुझे लगता है ना अभी हमारा बहुत कभी कभी रील्स वगैरह देखते हैं तो कहीं कहीं का लोकेशन देता है ना बहुत अच्छा, मन करता है जाए घूमने, लेकिन फिर तितली को देख के लगता है कि भैया अंटार्कटिका में पेंगुइन कैसे जिंदा रह सकते हैं, अंटार्कटिका में लोग ऐसे ही मतलब वेदर में रहते हैं, वो जो हर आदमी का मतलब हैबिटेट होता है, मतलब किस तरह से वो किस वातावरण में कैसे एटमोसफेयर में रहेगा, कैसे आम है गर्मी के दिन में होता है ठंडा के दिन में नहीं होता, कुछ हिस्सा में जो बरमसिया है चारों हमेशा होता है, तो हर तरह का चीज़ है। उसी तरह जानवर है, कोई जानवर अब डियर जो होता है वो देखियो ना 6 महीने खा के वो एकदम बिल में घुस जाता है, फिर वो 6 महीने बाद निकलता है, अलग अलग तरह के जानवर हैं धरती पे, सब भगवान का देन है ना जी। ये भी देखो खा लेती है, रात में सो जाती है फिर सुबह ही उठती है सब कोई खा के रात को सो जाता है। तो अभी हम लोग सोचते हैं ना कि YouTube जर्नी अपना अभी डालते, लेकिन अभी क्या था ना गाइस कि आज हम लोग लिटरली बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, थके क्या हुए हैं कि आज निशा ने बनाया था छोला भटूरा, एक भी ना वीडियो शूट होता है ना रील्स बनता है ना कुछ होता है यार, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करती है,
फोन उठाती नहीं है, कभी वीडियो शूट करेगी नहीं, अगर मैं आऊंगा तभी हो सकता है, ऐसे तो हो नहीं सकता है, एक रील्स भी नहीं बनाती है ये, और क्या ही बोलो। फिर मेरे को भी स्कूल वगैरह जाना रहता है, आता हूँ फिर थोड़ा बहुत तितली में ही लग जाता हूँ, और अभी जो ऐसा दिन चल रहा है खूब नींद भी आता है दिन में, पता नहीं क्यों, और दिन भी लंबा होता है, कटता ही नहीं है, मतलब 11-12 बजे तक तो स्कूल से आ जाता हूँ, अब लगता है कि करूँ तो क्या करूँ, बाहर निकलो तो फिर धूप है, रूम में रहो तो एसी चल रहा है, मतलब बाहर जाने की इच्छा ही नहीं करेगा कहीं, आप समझ सकते हो। तो चलिए कोई नहीं, ये मौसम तो है, ये मौसम की बारिश है मितवा, मौसम का जादू है मितवा। अच्छा ये मौसम की बारिश कहता है ना वो, ये मौसम की बारिश, ये बारिश की बस, ये वाला बस भाई निशा, अगर दुनिया में ना सबसे कोई खतरनाक काम है ना, अगर जो मैं कभी टॉलरेट नहीं कर सकता, मतलब भगवान अगर कह दे तो, अगर मुझे कोई कहे कि 10 कोस पैदल चले जाओ, यानी 10 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट 10 किलोमीटर पैदल चला जाऊँ, लेकिन मैं अगर कोई कह दे कि निशा का गाना सुन लो, तो वो मैं नहीं सुन सकता भाई, गाना इतना खतरनाक गाती है, इतना मतलब मीठा, इतना मीठा, तीते भी कह रहे कि वाह, मतलब सच में बाबू तुम स्कूल में गाना गाती थी, मतलब ऐसा गाती थी ना, एक बार ऐसा मतलब गाती तो आँख तो बंद ही हो जाता है इसका, ठीक है, उसके बाद कौन है कौन नहीं है वो तो भगवान जाने, हाँ बंद कर, टीचर्स डे के दिन गाना गाए थे स्टेज पे, तो फिर सब जिंदा है अभी, है ना सही सलामत, जैसे जियान आदमी को मार देता है अपने गाने, सही सलामत है ना सर, उस टीचर से मिलना है, वो सर है तो ठीक है, उस टीचर से मिलना है मुझे, सर लोगों से मिलिएगा, बोल दीजिए कितना, मैं उनका चरण छूऊंगा, माइक में गाना हो जाए, माइक में, अरे भाई साहब ठीक है, इसी बात पे एक गाना सुना दो, नहीं अब सर गाइस, और मैं गाना इतना सुनता था, मुझे गाना अच्छा भी लगता था, मैं भी सुनती थी, मैं भी मूवी देखती, शादी जो हुआ ना मेरा भाई, दूसरा ही गाना चला उसके बाद सारा, मैं कभी गाना ही नहीं सुन पाता, मैं भी गाना सुनती थी पहले, कि मैं पहले ना गाना बजा के सो जाता था, नींद आ जाएगा, गाना बंद कीजिए, उसके बाद ये उठ गई, ये तो मैं क्या बोलूं, मुझे तो फोन नहीं चलाने देती है, अगर फोन का लाइट अगर जल जाए ना तो उल्लू बन जाती है, ओ पापा सुनो ना, तुम टाइगर बन जाओ, टाइगर अब बेटा बेटा थर, और ये क्या क्या सीखती है जरा बाबू, तितली जरा बोल दो, क क गुड, वन गुड, और थोड़ा सा बता दो, नाना कैसे खांसते हैं, अच्छा, और नानी कैसे डांस करती है ये मेरी, मैं नहीं है इसकी दादी ने सिखाया है इसको निशा कह रही थी कि आप यही सब सिखाइए इसको, तो खैर उनका तो मजाक का विषय है, तो यही सब सिखाती रहती है, एंजॉय करती रहती है, हैंड्स का है आपके, गुड, लेग्स का है, लेग्स, शाबाश, आईज का है, आंख अभी आई, अरे 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 ये देखो तितली, आईज का है, आईज, आईज का है, तो गाइस देख सकते हैं, नोज का है, नोज, हाथ का हाथ, पैर का है पैर, पेट का है पेट, तितली का पेटू का है पेट, पेट पेट का है भाई, 1.5 साल की है सिर्फ, और इतना कुछ ही है, और कान का है, लर्न कर लिए ना, कान बता दो यार, बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है, कभी कभी टेंशन हो जाता है यार, इतना मतलब मेहनत से पालो पोसो और फिर अपनी बेटी किसी को दे दो, मुझे लगता है ना अब समझ में आता है, हाँ बेटा इधर आइए, कि दुनिया का सबसे टफ काम मुझे लगता है ना, सबसे टफ काम मुझे लगता है वो ये है, एक तो मतलब जो भी माँ बाप है ना अपनी बेटी को दान करते, इससे बड़ा दुनिया में मुझे नहीं लगता है ना कि कोई टफ काम होगा, दुनिया का सबसे टफ काम, तो सभी को रिस्पेक्ट है भाई, जो भी माँ बाप जिनके पास बेटी आया, और बहुत मतलब हिम्मत वाले कोई भाई बेटी भी होती है, चाहे दो गो, चार गो, पांच गो, भगवान तो पार लगा ही देते हैं, लेकिन हमको बहुत पहले लगता था कि नहीं बेटी हो, हमको तो बहुत दिल की इच्छा था, फिर आप कभी कभी कोई कोई बोल देता है कि हतना प्यार बढ़, ये भी मेरे पास ही रहती है कि एक दिन तब बेटी के दूसरा के घर चल जाएगा रहेगा, तब का हो, तब तो भाई मेरा उसके बाद थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि जो अंदर से इमोशन होता है ना वो हमारी बेटी के लिए
हमारा बेटी कौन नहीं रहेगा, पापा के पास रहेगा, पापा के पास रहेगा, पापा के पास रहेगा बेटू, पापा के पास रहेगा ना, ये पापा के पास तो कोई नहीं गाइस, आज रात में करेंगे शूट क्योंकि कल हम लोग कहीं चले भी गए थे जिसके कारण कुछ वीडियो भी शूट नहीं कर पाए जो मैंने आपको बताया था यूट्यूब जर्नी का। तो आज करेंगे रात में हम लोग शूट वगैरह कर लेंगे, तो आपको कल देखने के लिए मिलेगा। और इस प्यारे से ब्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं, आशा करते हैं आपको ये प्यारा सा ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है, प्लीज उसे जाके फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पे आज हमारा 40,000 का यूट्यूब फैमिली फेसबुक फैमिली कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद जो फेसबुक पे हमें फॉलो किए हुए हैं, और जो नहीं किए हैं प्लीज जाइए फॉलो कर लीजिए और बस प्यार बना रहे आपका, और क्या चाहिए। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल।